नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। आधी आबादी के रट लगाकर चौथाई पर भी नहीं छोड़ा गया। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की ये कहानी फिर से सामने है। खबर थी कि संघ शाखाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की सोच रहा है, लेकिन अब खबर ये है कि शाखाओं में महिलाओं की भागीदारी फिलहाल मुमकिन नहीं। आरएसएस में महिलाओं की एंट्री पर ब्रेक। दरअसल महिला आरक्षण बिल की रुकी कहानी का ही एक चैप्टर है। सवाल फिर वही कि क्या देश की राजनीति महिलाओं के रास्ते में इसी तरह ब्रेक लगाती रहेगी या फिर आगे कोई रास्ता भी है। शक्ति के उपासक देश में महिलाएं बेशक तमाम मोर्चे पर फतह हासिल कर लें, लेकिन राजनीतिक भागीदारी के मुद्दे पर सियासत कमोबेश सांकेतिक जुमलेबाजी ही दिखती है। इन्हीं जुमलों के बीच एक खबर ये आई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन खबर पर मुहर लगती इससे पहले ही खारिज कर दी गयी। आरएसएस ने साफ किया है कि संघ का महिलाओं को अपनी शाखाओं में शामिल करने की कोई योजना नहीं। दत्तात्रेय होसबोले का अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में ऐलान, शाखा पुरुषों की गतिविधि, वो सुबह सुबह और देर शाम को संघ की शाखाओं में इकट्ठा होते हैं और दूसरी गतिविधियों में भी शामिल होते हैं। 2025 में संघ 100 साल का हो रहा है, लिहाजा माना जा रहा था कि महिलाओं की शाखाओं में भागीदारी पर संघ बड़ा फैसला कर सकता है। इसके कयास तब लगे थे जब संघ के संयुक्त सचिव मनमोहन वैद्य ने इसके संकेत दिए थे, लेकिन होसबोले के बयान से साफ हो गया कि शाखाओं में भागीदारी के लिए महिलाओं को अभी और इंतजार करना होगा। लेकिन हर खबर के दो पहलू होते हैं और इस खबर का एक अहम पहलू ये है कि देश की सत्ता पर काबिज दल को ऑक्सीजन देने वाला संगठन यानी आरएसएस आखिरकार महिलाओं की अहमियत को तवज्जो देकर उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की सोच बनाने लगा है। ये अनायास नहीं है, तमाम दलों में सोच का ये बदलाव अब झलकता है। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता ने हाल ही में भूख हड़ताल की थी। कविता संसद के बजट सत्र में महिला आरक्षण बिल लाने की मांग कर रही थी। उनके साथ आप, अकाली दल, पीडीपी, टीएमसी, जेडीयू, एनसीपी, सीपीआई, आरएलडी, एनसी और समाजवादी पार्टी समेत 17 विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद थे। कहानी साफ है, ये मामला महिलाओं को विधायिका में 33% के आरक्षण से जुड़ा है। पार्टियां बदलती रही, सरकारों के चेहरे भी बदलते रहे, लेकिन महिला आरक्षण बिल की नियति नहीं बदली। कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी, महिला आरक्षण के मुद्दे पर देश जुमलेबाजी की राजनीति का ही गवाह रहा। यूपी में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की हुंकार भरने वाली कांग्रेस महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर लचर नजर आई। आरजेडी और समाजवादी पार्टी का तो ऐतिहासिक विरोध संसद के रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो क्या आधी आबादी को पूरा न्याय पाने के लिए अभी और इंतजार करना होगा? ब्यूरो रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर जुमलों की सियासत है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार आधी आबादी को उनका पूरा हक कब मिल पाएगा। और तमाम खास मेहमान हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त देश रत्न निगम संघ समर्थक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शबनम पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत शबनम जी आपका। हमारे साथ रविन्द्र सिंह ढुल, प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत रविन्द्र जी। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता संगीता शर्मा जी भी जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो तमाम सवाल आज यहाँ पर तमाम जो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं उनसे पूछे जाएंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है निगम जी। संघ अपनी शाखा में देश की मां के रूप में वंदना करता है, लेकिन वो शाखा में महिलाओं को शामिल करने पर सहज नहीं है, क्यों? देखिए रेशु जी, कुछ इस तरह की बातें, भ्रामक बातें समाज में फैली हुई हैं कि संघ में महिलाएं नहीं।
राष्ट्रीय सेविका समिति जो महिलाओं का एक काउंटर पार्ट है आरएसएस का, जिसकी वी शांता कुमारी प्रमुख है और उसकी प्रमुख कार्यवाहिका है सीता आनंदनम, सो वो पूरा कार्य कर रहे हैं। दूसरा, हमारी शाखाओं में बहुत सारे गेम्स होते हैं जिसमें खींचातानी होती है और कबड्डियां होती हैं, सब कुछ होती हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ बाल शाखाएं हैं जिसमें लड़के लड़कियां दोनों हिस्सा लें, जो कि 15-16 साल से कम के होते हैं और वो उस पर जाते हैं और दोनों शाखाएं रखती हैं। लेकिन उससे बड़ों में क्या होता है, किस तरह के गेम्स खेले जाते हैं उसमें वो वहां पे शोभा नहीं देता कि हम लड़कियों को खींचे, महिलाओं को खींचे, इस तरह का करें। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ये की गई है। दूसरा, राष्ट्रीय सेविका समिति अपनी शाखाएं लगाती और उनके अधिकारी संघ के कार्यक्रम में आते जाते हैं। प्रतिनिधि सभा की जो मीटिंग चल रही है इसमें भी है, और इसमें भी पूरी तरीके से पार्ट ले रहे हैं। नामक बात है कि ये संघ में महिलाएं नहीं है, शाखा में नहीं जाने देती, उनकी शाखाएं चल रही हैं लेकिन उसी लेकिन तरह शाखाएं उनका। अलग अलग है ना सर, सवाल तो यही है कि शाखाएं अलग नहीं, अलग है। उसका मैंने कोई कारण बताया ना, ठीक है सर, कोई कारण बताया ना। अनुषांगिक संगठन विशेष रूप से महिलाओं के लिए है, लेकिन इससे तो महिला मत और पुरुष मत हमेशा समानांतर चलेंगे, दो लाइंस चलती रहेंगी, उनका समावेश कैसे होगा? देखिए, महिला कांग्रेस है तो इसका मतलब अलग अलग चल रहे हैं, हर हर ग्रुप में विंग बनी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों के अलग अलग मत चल रहे हैं। सारे बैठ के चार करते हैं, जब कुछ वैचारिक बातें होती हैं, साइकोलॉजिकल बातें होती हैं, उस पे चर्चा होती है और सारे फैसले लिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग सब अपने अपने रास्ते चल रहे हैं, सब साथ चलते हैं वहां पर। राष्ट्रीय सेविका समिति का पथ संचालन देखिए कितना बढ़िया होता है, जितना आरएसएस जैसा होता है। ठीक है, मैं इस पर दोनों से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, संगीता जी आपसे भी और इसके साथ रविंद्र सिंह जी आपसे भी, लेकिन संगीता जी पहले प्रतिक्रिया आपसे। देखिए रेशु जी, जिस तरह से हम समानता की बात करते हैं महिलाओं की और आधी आबादी, बार बार हम कहते हैं आधी आबादी और आधी आबादी है महिलाएं, लेकिन जब समानता की बात आती है तो फिर हम उसमें असमंजस की स्थिति देखते हैं, विरोधाभास देखते हैं। क्योंकि आप आज संसद में देख लीजिए 14.4% ही केवल महिलाओं की भागीदारी है, तो वो 40 या 50 क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। हर राजनीतिक दल हो वो महिलाओं की भागीदारी की बात करता है, लेकिन जिस समय टिकट आवंटन की भी बारी आती है तो महिलाएं नहीं वहां, उनको टिकट दिया जाता। 33% आरक्षण की बात का मुद्दा आज से नहीं उठ रहा है, 1976 से इस मुद्दे पर बात चल रही है। लेकिन ये एक दुर्भाग्य कहिए रेशु जी की, जब वो लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद भी लोकसभा में वो पारित नहीं हो पाता और वो अधूरा रह जाता है, और आज भी इतने वर्षों बाद भी आजादी के महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो देखिए, महिलाएं के लिए एक ये प्रोत्साहन की स्थिति है, सरकारें अगर इसे लागू करेंगी, आज भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है तो भाजपा एक तरफ नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बार बार इस बात से बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन जब एक नियम बनाने की बात आती है, एक कानून बनाने की बात आती है, तो उसमें फिर मुखरता क्यों नहीं दिखाई जाती, उसमें आगे आकर के क्यों नहीं किया जाता। हम भाजपा का उठा करके देखे 2014-2019 का मैनिफेस्टो भी, तो उन्होंने कहा था कि जब सत्ता में आएंगे तो जो महिला आरक्षण है 33% विधेयक की बात है वो आरक्षण उनको मिलेगा, लेकिन आज आप स्थिति ठीक है। आपने आपने जो सवाल यहाँ पर उठाए हैं, आप ये बताइए कि सरकारी व्यवस्था में रिजर्वेशन देना कानून के अधीन हो सकता है, लेकिन पार्टियों की ओर से टिकट के माध्यम से महिलाओं को उचित भागीदारी देना, इसमें कौन से कानून का प्रावधान है? वही आपने देखा कि कांग्रेस ने नारा जरूर दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं आवंटित किया। आपने कितने दिए, अपनी तो बात कीजिए ना। देखिए, तो ये मैं खुद एक महिला हूँ, एक महिला होने के नाते महिलाएं देश की आधी आबादी हैं, तो वो हर मुकाम पर आधे हिस्से की भागीदारी को निभाएं, हर मुकाम पर आगे पहुंचे, ये सोचना चाहिए। लेकिन देखिए, संसद में अगर 33% आरक्षण रेशो जी लागू होता है तो एक राजनीतिक पार्टियों के लिए भी एक बंधन हो जाएगा कि हमें उतना दायित्व संसद में देना है, उतनी हिस्सेदारी महिलाओं की होगी, लेकिन जब तक कानून नहीं बनता तब तक ये स्थिति संसद में देखने को हमें नहीं मिल रही है। महिलाएं राजनीति ठीक में है, सिस्टम ठीक में है, आना चाहिए। आपकी आपकी बात से सहमत है, आपकी है। बात से सहमत है संगीता जी, लेकिन मैंने जो सवाल आपसे पूछा शायद वो सवाल जो है आप समझ नहीं पाई हैं। रेशु जी, आपने मैंने यही कहा कि सरकारी व्यवस्था में रिजर्वेशन देना कानून के अधीन हो सकता है, लेकिन
पार्टियों की ओर से टिकट के माध्यम से महिलाओं को उचित भागीदारी देने में कौन से कानून का प्रावधान है भला? जितना चाहे महिलाओं को उतना टिकट दे सकते हैं ना आप लोग, लेकिन राजनीतिक पार्टियां उसमें भी अपने आप को बैकफुट पर ले जाती हैं। आप राजनीतिक पार्टी से नहीं है क्या? महिलाओं को उस हिस्सेदारी में नहीं रखती हैं, उनको कहीं ना कहीं डर होता है कि, लेकिन इसके लिए देखिए रेशु जी, जब कानून बनेगा तो एक सशक्तिकरण, महिलाओं को मजबूती मिलेगी। और राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठ करके मैं इस बात को कहूंगी कि फिर पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा और महिलाओं को टिकट में भी वो भागीदारी देनी पड़ेगी, सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ठीक है, रविंद्र सिंह जी। देखिए, जहाँ तक बात महिला रिजर्वेशन की या फिर महिला सशक्तिकरण की, खास करके राजनीति में, तो कांग्रेस उसके समर्थक है। हमने पहले भी उत्तर प्रदेश के दौरान जब इसकी घोषणा की थी कि हम यहाँ पर कांग्रेस में जो है उत्तर प्रदेश के अंदर टिकटें देंगे महिलाओं को 50%, वो ठीक हो सकता है कि कई जगह पर एलिजिबल कैंडिडेट ना आने की वजह से वो टिकट पुरुषों को अलॉट की गई, लेकिन कांग्रेस की मंशा बिल्कुल स्पष्ट थी। इसी प्रकार से जब हमारा रायपुर अधिवेशन हुआ उसके अंदर भी हमने घोषणा की अपनी। अब जहां तक बात ये है कि राज्यसभा के अंदर जो कांग्रेस ने जो ये महिला का जो रिजर्वेशन का जो बिल है ये पास हुआ, तो उस समय पर कांग्रेस बहुमत में भी राज्यसभा के अंदर उसमें पास हुआ। तो लोकसभा के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी है, तो इनको ये बड़ा दिल दिखाते हुए, इनको भी ये अपना स्टैंड क्लियर करते हुए इनको ये पास करना चाहिए। जहां तक बात मेरे सम्मानित जो देश रत्न जी, यहाँ पर मैं इनकी बात सुन रहा था, उन्होंने महिला कांग्रेस के बारे में बात की, तो मैं इनको बता दूं कि महिला कांग्रेस के अलावा जो मेन कांग्रेस है, मेन कांग्रेस में भी हजारों महिलाएं बहुत अच्छे पदों पर विधायक और यहाँ तक कि सांसद और यहाँ तक की जो है मंत्री पद तक पहुंची है, मुख्यमंत्री पद तक भी पहुंची है। ऐसा नहीं है कि महिला कांग्रेस के बाद में मेन मुख्य कांग्रेस के अंदर कोई महिलाओं की पाबंदी है, ये तो सभी राजनीतिक पार्टी के अंदर। ठीक है रविंद्र जी, लेकिन आप ये बताइए, आप ऐसा नहीं है। ठीक है सर, आप महिला आरक्षण की बात करते हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देते हैं, लेकिन AICC में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है, आप ये बताएंगे जरा? अनुपात देखिए, मेरे पास इसमें ये जानकारी नहीं है, मुझे चेक करना होगा, लेकिन हाँ हमने इस बार ये पारित किया था इस बार महिलाओं के लिए कि भी हम ये रिजर्वेशन देने का काम करेंगे और हम टिकटों के अंदर रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक पहल की है और बाकायदा जो है अधिवेशन के अंदर रायपुर के अंदर उसे पास किया गया। तो अब यदि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर पास, लोकसभा के अंदर पास नहीं भी करती है तो इनकी मंशा के ऊपर सवाल खड़ा करता है, कांग्रेस के ऊपर नहीं। कांग्रेस ने पहले से घोषणा कर दी कि हम तो टिकट देंगे ही देंगे महिलाओं को, वो ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप घोषणाओं की बात करते हैं रविंद्र सिंह जी, आप घोषणाओं की बात करते हैं, लेकिन आप ये बताइए, अभी चलिए आपको नहीं पता अनुपात क्या है, लेकिन जहां आपकी सरकार बनी है वहां कोई प्रभावी महिला मंत्री तक नहीं बनाई गई है, वो आप बता सकते हैं? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, आज के दिन में नहीं है, तो इस समय पर मैं सारे भारत के अलग अलग जो दो तीन जगह पर सरकार है वहाँ का नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हरियाणा कोई नाम तो गिनवा दीजिए ना, पिछली थी उसके अंदर 10 साल के दौरान कम से कम एक नहीं, कम से कम एक बढ़िया जो कैबिनेट मिनिस्टर के पद के ऊपर किन चौधरी भी रही है, मैं उनको जानता हूँ निजी तौर पर, और बहुत सी विधायिका चुन करके आई है कांग्रेस की तरफ से, आज भी है, कार्यकारी अध्यक्ष भी है। तो ये श्रुति चौधरी जी जो कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा कांग्रेस की जो है, ये कहना कि महिलाओं को जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है कांग्रेस में, तो ये गलत होगा। लेकिन जिस पद की कामना करनी चाहिए, क्योंकि आप काम तो करवा लेते हैं महिलाओं से, जब इलेक्शन का टाइम होता है बड़े बड़े वादे भी करते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही सरकार बनती है वो वादे शायद आप भूल जाते हैं, और यही काम बीजेपी भी कर रही है शबनम पांडे जी, बड़े जुमले तो छोड़े जाते हैं लेकिन जब सरकार बन जाती है तो महिलाओं का हक आखिरकार क्यों मारा जाता है? कोई भी सरकार आती है वो वादे तो करती है लेकिन वादे पूरे क्यों नहीं करती? देखिए, निश्चित तौर पे महिलाओं का राजनीति में ज्यादा सक्रियता हर कोई चाहता है और इस पर लगातार कार्य चल रहा है, पर जब भी इस पर चर्चा होती है तो तब किसी भी दल के लोग जो बैठे होते हैं पैनल में, वो लगातार अपनी पार्टी को बचाने में लगे रहते हैं और सारा टेकरा बीजेपी पर डालना चाहते हैं। पर मैं पूछना चाहती हूँ, लड़की है लड़ सकती है उत्तर प्रदेश में की और उस जगहों पे क्यों नहीं जहाँ पे इनकी सरकारें होती हैं, वहाँ इलेक्शन जहाँ इनकी बहुमत है वहाँ अपने उपजाऊ भूमि पर क्यों नहीं कर सके? आम आदमी पार्टी भी लगातार इसी बात को कहती है कि रिजर्वेशन बिल आना चाहिए,
पर मैं जानना चाहती हूँ वो कितने महिला मिनिस्टर्स बनाते हैं अपने कैबिनेट में, तो वो ना धनिया। एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने अपने संगठन में पहले से 33% आरक्षण महिलाओं के लिए किया है। महिला विंग अलग है लेकिन उसके अलावा जो मेन बॉडी है उसमें 33% महिलाओं और महिला पदाधिकारी आवश्यक तौर पर वो डालती है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात देखी जाए तो उत्तर प्रदेश चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली सभी पार्टियों के बनिस्पत भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक सबसे ज्यादा बनी है। मैं ये नहीं कहती कि इतना ही पर्याप्त है, निश्चित तौर पे ये लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए तमाम महिला जगत को साथ होना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कानून बनने से पहले अपने संगठन में इस तरीके की जो प्रावधान किया है ये किसी अन्य पार्टी ने नहीं किया है। और लगातार वो ठेकरा फोड़ना चाहते हैं। जब आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल आया था कांग्रेस के समय में, तो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया था, इस बात को सभी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं हटी। और जहां तक चुनाव लड़ाने का होता है तो जिताओ सीट से ही चुनाव लड़ाती है, ये नहीं कि एक लॉलीपॉप देके ऐसे सीट पर महिला को खड़ा कर दे कि महिला जीत ही नहीं पाए। ठीक है, लेकिन महिला आरक्षण बिल को लेकर सबका जो नजरिया है वो तमाम पार्टियों का अलग अलग है। अगर कांग्रेस की यहाँ पर बात की जाए तो के कविता कह रही हैं कि कांग्रेस को हमारे साथ आना चाहिए इस मुद्दे पर, आप लोग क्यों पीछे हट रहे हैं, उनके साथ क्यों नहीं जाना चाहते हैं? रविंद्र सिंह जी, जी बताइए सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि के कविता कह रही हैं कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर हमारे साथ आना चाहिए, आप लोग क्यों पीछे हट रहे हैं, उनके साथ क्यों नहीं जा रहे हैं इस मुद्दे पर? नहीं, कांग्रेस साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। आज पीसी करके बताया था हमने, इस चीज को बिल्कुल क्लियर तौर पर कहा है, कांग्रेस बिल्कुल साथ है और इसमें कोई किसी प्रकार की आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं सर कि कांग्रेस साथ है, लेकिन कांग्रेस बार बार कह रही है कि के कविता की भूख हड़ताल असल मुद्दों को भटकाने का प्रयास है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो खुद जयराम रमेश जी ने कहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक बात डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोटेस्ट की है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस मूल मुद्दे की बात कर रहा हूँ वो है फीमेल रिजर्वेशन का जो बिल जो पेंडिंग पड़ा हुआ है लोकसभा के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ उसकी, क्योंकि वो बिल अभी भी जीवित है। उस बिल को यदि भारतीय जनता पार्टी सेकंड सेशन के अंदर जो अभी आएगा, वही जब बजट का जो चल रहा है इसके अंदर लेकर के आती है, तो कांग्रेस पूरी तरह से इसको वोट करने का काम करेगी। इसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी तो मांग की है ना कि भी आप लेकर के आइए, फिर राज्यसभा से पास है, जब पास हुआ तो उस समय पर कांग्रेस बहुमत में थी, लोकसभा के अंदर ये नहीं लेकर के आए, लोकसभा के अंदर आप ले आइए, लेकर के आके उसे पास कराइए, हम आपको वोट करेंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, संगीता जी, आप लोग के कविता का समर्थन आरक्षण के मुद्दे पर कर रहे हैं या ईडी पीड़ित होने के नाते साझा दर्द आपको उनके साथ ले गया है? देखिए रेशु जी, दोनों मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। महिलाओं की बात जो देश की आधी आबादी है, और ईडी और सीबीआई वो मुद्दा उससे बिल्कुल अलग है। तो दोनों में फासला लेकिन है। लेकिन ईडी और सीबीआई पीड़ित आजकल एकजुट हो रहे हैं ना, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। नहीं नहीं रेशु जी, देखिए दोनों मुद्दे अलग हैं। पैर में किसी के दर्द हो वो सर दर्द की दवाई नहीं खाएगा। पीड़ित के दर्द को पीड़ित ही समझ सकता है ना संगीता जी, पीड़ित के दर्द को पीड़ित ही समझ सकता है, कोई और कैसे समझेगा? देखिए महिलाओं की बात एक पीड़ित होने का मुद्दा नहीं है रेशु। मैं महिलाओं की बात नहीं कर रही, आप बात को मत घुमाइए। मैंने ईडी पीड़ित का जिक्र किया है। देखिए रेशु जी, आम आदमी पार्टी जनता से जुड़े जो भी मुद्दे होते हैं और जो भी सही बात होती है उसके साथ जाकर के जरूर खड़ी होती है। ऐसा नहीं हम विरोध करते हैं चीज का, जिस जगह विरोध करना है तो वहाँ विरोध भी जरूर करेंगे। और देखिए ये महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है, मेरी बहन शबनम जी बैठी हुई है, तो उन्होंने अभी आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत कुछ कहा, तो हमारी तो अभी मेयर भी बनी है, वो भी एक महिला है, कैबिनेट मंत्री आतिशी जी हैं, तो हम अभी एक नई पार्टी है, शुरुआत है हमारा संगठन, हमारी पार्टी, हम राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं। अब जैसे जैसे होगा महिलाओं पर भी मनीष सिसोदिया अंदर नहीं होते, मनीष सिसोदिया अंदर नहीं होते तो क्या आतिशी जी को जिम्मेदारी दी जाती जो दी गई है? आतिशी जी पहले भी जिम्मेदारी में थी, और शिक्षा
के क्षेत्र में जो काम हुआ है वो आतिशी जी और मनीष जी ने मिलकर ही उस काम को किया है, उस काम को मुकाम पर पहुंचाया है, लेकिन पूरी भूमिका, लेकिन जो जो जिम्मेदारी अब सौंपी गई है, अब जो सौंपी गई है वो पहले क्यों नहीं सौंपी गई थी, को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। और पैनल में कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल हमारे साथ एक नई मेहमान इस वक्त जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ डॉक्टर अल्पना वाजपेयी, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। लेकिन सवाल निगम जी यहां पर आपसे है कि शाखा को लेकर आप जो तर्क देते हैं कि वह पुरुष गतिविधि पर केंद्रित है, ऐसे ही मिले जुले तर्क सेना के भी थे, लेकिन वहां तो महिलाओं का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। देखिए, सेना एक राजनीतिक पार्टी है, इलेक्शन लड़ने हैं उनको, और संघ उससे उनका मत अलग है। तो सेना में जो हुआ उसकी सेना से पूछी, लेकिन हमारे यहाँ जो गतिविधियां होती हैं, और आपको मैं इनवाइट करूंगा, आके देखिए तो आपको पता लग जाएगा, आप खुद भी कहेंगी, जो आपकी खेल होते हैं, जो चीजें होती हैं, उसमें आप नहीं हिस्सा लेना चाहेंगे। तो वो इसीलिए वो बाल शाखाएं हैं, यहाँ पे लड़के लड़कियां दोनों अलाउड है और लेते हैं सब। दूसरा देखिए, हमें इस जो विमेन रिजर्वेशन है इसको राजनीति से बाहर जाके देखना पड़ेगा। कुछ लोग इस विषय पे कानून बनाने को पहला कदम मानते हैं, कुछ लोग आखिरी कदम मानते हैं। सर ठीक है, मेरे आपसे दो सवाल हैं। आपने कहा सेना राजनीतिक पार्टी, तो पहले तो ये बताइए कि सेना राजनीतिक पार्टी कब से हो गई। दूसरा ये, क्या संघ सेना से बड़ा है क्या? नहीं, आप सेना की क्या बात कर रहे हैं? अच्छा देखिए, राजनीतिक चर्चा थी तो मैं शिवसेना को समझा था, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा जी, क्योंकि सेना का प्रयोग उसी तरह होता है, अचानक राजनीति की चिंता में सेना आ गई। नहीं नहीं सर, मैं अपना सवाल एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैं समझ गया। देखिए, उस सेना में तो ऑब्वियसली आपने सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता प्रशस्त किया है, परमानेंट कमीशन की भी बात हो रही है, वहां पर वो भी वुमेन को दिया गया है। तो हमारे यहाँ पर भी राष्ट्रीय सेविका समिति है जो अपनी शाखाएं लगाती है, किसने बोला संघ में नहीं है? कोई मुझे कह दे कि संघ में नहीं है महिलाएं? हमारे यहाँ दो विंग है बस, अलग अलग विंग है। महिलाओं के इश्यूज कुछ बहुत अलग तरीके के भी होते हैं, उनकी शाखाएं अलग हैं, वो अपनी शाखाओं में अपने चरित्र निर्माण का काम करती हैं, वो जैसे भी क्रीड़ाएं होती हैं वो सब अपना करती हैं। और दूसरी बाल शाखाएं जहां पर आप खेल सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ खेल बचा सकते हैं, दौड़ भाग कर सकते हैं, वहां परमिटेड है, और वो बाल शाखाएं लगती हैं। मेरे घर के पास पार्क में बाल शाखा लगती है, जहाँ लड़के दोनों रहते हैं। दूसरा आपका रिजर्वेशन का, एक भारत का एक लंबा इतिहास रहा, बुद्ध धर्म आया जहाँ पे महिलाओं की एंट्री नहीं, उसके बाद इस्लामीकरण हुआ देश का, वहां पे महिलाओं को अधिकार, हम लोग बहुत आगे बढ़े। और मैं महिलाओं का इस बात के लिए सम्मान करना चाहता हूँ कि वो 50% नहीं मांग, उसे 33% मांग रही है, और बहुत लोगों को उसमें भी दिक्कत। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, वो 33% से मांग रही, और वो होना चाहिए और जरूर होना चाहिए। इसको सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, जैसे भाजपा के प्रवक्ता ने बोला, पहले अपने अंदर बदलाव करें, अपने संगठनों में बदलाव करें, और 33% करें, और आगे आगे बदलाव शुरू होगा, ऑटोमेटिकली लोगों को आप टिकट देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होगा ना सर, कहते तो बहुत समय से लोग आ रहे हैं, लेकिन करना भी होगा ना। तमाम पार्टियां बातें तो बहुत करती हैं, दावे तो बहुत करती हैं, लेकिन ये दावे आखिरकार खोखले साबित क्यों हो जाते हैं? जब समय आता है तो बातें सब हवा हवाई हो जाती हैं। डॉक्टर अल्पना वाजपेयी, BRS MLC के कविता की भूख हड़ताल और महिला आरक्षण की मांग, कांग्रेस की उससे दूरी, अन्य पार्टियों का उनके साथ खड़ा होना, कई विषय आपस में उलझे हैं, इस उलझन से क्या निकल कर आ रहा है? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के मामले में आज आप देखिए कि सारी चीजों में लोग आरक्षण की मांग करते हैं। अगर वो घूमने जाएंगे तो ट्रेन में आरक्षण चाहिए, शिक्षा में आरक्षण चाहिए, हर चीज में आरक्षण चाहिए, और शहर से आरक्षण के लिए सभी पार्टियां लड़ाइयां लड़ती है और आरक्षण लागू करवा के मानी वो लोग। लेकिन जब महिला आरक्षण की बात आती है तो हम लोग ये देखते हैं कि सभी पार्टियां सभी, वो कहते हैं ना, हमाम में सभी नंगे, तो उस स्टेज पे रहते हैं कि कोई देना ही नहीं चाहता है, क्योंकि हकीकत ये है कि कोई अपना दावा छोड़ना नहीं चाहता है। उनको ये लगता है कि अगर महिलाएं राजनीति में आगे आ गई तो उनका जो पुरुषों का वर्चस्व बना है राजनीति में, वो वर्चस्व खत्म हो जाएगा।
और कोई भी आदमी अपने वर्चस्व को नहीं छोड़ना चाहता। और पार्टियां भी आप जानती हैं, पार्टियों में भी महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती, महिलाओं की संख्या कम ही रहती है, तो वो उसका भी फायदा उठाते हैं कि भाई महिलाएं राजनीति में कम आती हैं तो हम उनको आरक्षण नहीं देंगे। लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि महिलाओं को अगर आप आरक्षण नहीं दोगे, क्योंकि भारतीय हरीश चंद्र ने कहा था कि हम भारत के लोग उसके डिब्बे की तरह है कि जिसमें जब तक कोई इंजन नहीं होता है तो वो जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। एक इंजन की जरूरत होती है किसी भी गाड़ी को खींचने के लिए, उसी तरह महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आरक्षण की जरूरत है। और जब उन्हें मिलेगा तो महिलाओं ने हमेशा हर क्षेत्र में ये साबित किया है कि उन्होंने दमखम दिखाया है, चाहे हमारी अवनी जी रही हो, चतुर्वेदी जी जो पायलट बनी, फाइटर पायलट बनी, तमाम कोई क्षेत्र बचा ही नहीं है। बिल्कुल, अभी 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 मैं इस बात का जिक्र भी कर रही थी निगम जी से कि महिलाओं ने तो सेना में भी झंडे गाड़ दिए हैं। जी जी बिल्कुल, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी हो। अभी इवन अभी मैं अभी सड़क पे जा रही थी तो मैंने देखा कि एक महिला जो है ऑटो चला रही थी, तो मतलब हवाई जहाज चलाने से लेके और ऑटो तक चलाने तक लड़कियां महिलाएं सब आगे आ रही हैं, तो अब ऐसे समय में उन्हें बहुत पीछे नहीं खींचा जा। बिल्कुल सही बात है मैम। और देखिए ना, हमारे हमारे पैनल में भी तो चार चार महिलाएं बैठी हैं, दो पुरुष हैं आज पैनल में भी। जी 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 जी, तो महिलाओं का वर्चस्व जब जब महिलाओं को मौका मिला है तब तक उन्होंने साबित किया है कि वो जो है, मतलब उन्होंने हमेशा साबित किया है कि वो ज्यादा सशक्तिकरण के साथ, ज्यादा ईमानदारी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ महिलाएं काम करती हैं। हाँ, उन्हें माहौल दिया जाए। अगर आप माहौल नहीं दोगे और आप उनसे सोचोगे कि बस उनको हमने कोई पद दे दिया और हम उनको पदपति बनाकर रखें, तो निश्चित तौर पे अगर आप पदपति बनाओगे तो कोई भी सही से काम नहीं कर पाएगा। तो हमें सोच सोच में भी बदलाव लाना पड़ेगा। जिस तरह हम अपने घर में माँ को सम्मान देते हैं, माँ को पूरे अधिकार देते हैं कि माँ है तो सब कुछ सुरक्षित है, माँ है तो सारी चीजें अच्छी हैं, तो इसी तरीके से जब हम महिलाओं को समाज में हर जगह सम्मान देंगे तो पूरा समाज हमारा सुरक्षित होगा और निश्चित तौर पर तरक्की करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और मैंने के कविता को लेकर आपसे सवाल किया था शबनम पांडे जी, के कविता के भूख हड़ताल की टाइमिंग पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें ईडी के सामने पेश होना था तो इसलिए उन्होंने आरक्षण का मामला उठा लिया और इसे मुद्दा बना दिया। निश्चित तौर पर रेशु जी, जिसे महिला आरक्षण की चिंता होती तो वो पहले भी 2024 का चुनाव सामने है, ईडी लगातार उनके काले कारनामों को उजागर करने के लिए उनके पीछे पड़ी हुई है, तो ऐसे समय में सब एकजुट होकर ईडी के खिलाफ खड़े हुए हैं, ना कि महिला आरक्षण के साथ। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि महिलाओं को सशक्त करने के नाम पर लॉलीपॉप देना बंद करें। जैसे कांग्रेस पार्टी ने 40% आरक्षण का कहा और ऐसे सीटों को महिलाओं को खड़ा किया ताकि वो हार जाए और केवल एक महिला विधायक ये बना पाए, तो ये लॉलीपॉप देना हुआ कि हम तो चाहते हैं महिलाओं को सशक्त करना पर महिलाएं सशक्त नहीं हुई, हमने तो 40% दिया। इसी तरीके से ईडी का डर है लेकिन हम एकजुट होकर महिला आरक्षण के लिए कर रहे हैं। अभी हमारी साथी संगीता जी ने कहा कि हम तो नई पार्टी हैं, नई पार्टी है तो नई पार्टी राजनीति में महिलाएं तो नई नई आई हैं, महिलाएं तो आजादी के बाद से सक्रिय हैं, नई पार्टी की तो और बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने अपने और आम आदमी पार्टी में तो सबसे ज्यादा शिक्षित महिलाएं हैं, आप दावा भी करते हैं संगीता शर्मा जी। नहीं देखिए, राजनीति में आम आदमी पार्टी में महिलाएं हैं और मैं भी एक महिला होने के नाते अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व तो कर रही हूँ यहाँ बैठ करके, और मुझे तो बहुत शबनम जी की बातों से लग रहा है कि महिलाओं को आगे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। भाई आप तो एक ऐसी पार्टी में है इस समय जो सत्ता में काबिज है और फुल बहुमत की सरकार है, आपको क्या परेशानी है महिला आरक्षण देने में? सत्ता में काबिज भी है, मांग हो रही है आपको, देखिए मंत्री नहीं बता रहे आप कितने, तो वो मैनिफेस्टो में भी रखा और उसके बाद भी उस बिल पर काम नहीं किया। तो शबनम जी आप आज इस चैनल के माध्यम से बता दीजिए कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं, ये मांग जो सभी पार्टियां कर रही हैं, जो भी दल कर रहे हैं, वो मांग जायज है या नहीं है, बस इतना बता दीजिए शबनम जी कि आपकी सरकार को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आपकी कैबिनेट में कितनी मंत्री हैं जो महिला हैं? ठीक है, आप छोड़िए, आपकी सरकार तो बहुत बड़े बड़े काम करती है, बहुत बड़े बड़े बातें भी करती है, दावे भी करती है, तो ये भी एक बड़ा काम कर दिया महिलाओं के लिए। प्रमुख
विभागों की मंत्री महिला बनाई गई। अभी तक स्वतंत्र प्रभार महिलाओं को अगर देखा जाए भारतीय कैबिनेट में आजादी के बाद से देखा जाए, गांधी परिवार को छोड़ दीजिए, उसके अलावा किसी महिला को कैबिनेट में रखना शायद मुझे लगता है भारत के इतिहास में। लेकिन सवाल तो वाजिब है ना यहाँ पर शबनम जी सवाल तो वाजिब है, सवाल वाजिब है ना। आम आदमी पार्टी आप ये बताइए ना, एक सेकंड, एक बता दीजिए, एक बात ये भी है ना कि यदि आप महिला आरक्षण की आवश्यकता समझते हैं तो यह पक्ष गौण हो जाता है कि मांग कौन कर रहा है। आपको इसे लागू करने में समस्या कहाँ रही है, क्या समस्या है आपको? नहीं रेशु जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिला आरक्षण हम सभी लोग चाहते हैं, निश्चित तौर पर इस पर प्रयास होना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण पे ज्यादा संजीदगी के साथ काम कर रही है, संवेदनशील सरकार है और महिलाओं के हित में काम करने वाली सरकार है। कितनी संवेदनशील सरकार है, कितनी संवेदनशील सरकार है आप बताइए ना। संवेदनशीलता इससे सबसे ज्यादा पता चलता है कि राजनीति में इतनी सारी राजनीतिक पार्टी भारत में होते हुए भी अपने संगठन में आरक्षण तक नहीं किया, जबकि सबसे पुरानी पार्टी भी बैठी हुई है। मतलब आप सीधा सीधा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही हैं? नहीं, मैं सभी पे आरोप लगा रही हूँ, चाहे सबसे पुरानी पार्टी हो या सबसे नई पार्टी हो, पर अपने संगठन में आरक्षण नहीं करके आरोप ठीक है रविंद्र जी के दर से शोर सशक्तिकरण नहीं होता। रविंद्र जी, एक लंबी फेरिश्त आप लोगों के ऊपर भी आरोपों की है। देखिए, भारत की पहली जो महिला राष्ट्रपति जो भारत को दे वो भी कांग्रेस ने दी थी, भूल रही थी जी। उसके बाद में माया कुमारी जी को दोबारा फिर एक दूसरी बार फिर एक महिला राष्ट्रपति बनाने का कांग्रेस के द्वारा प्रयास किया गया, जिसका भारतीय जनता पार्टी के बाद उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, तो उसमें हमें समर्थन नहीं मिला। लेकिन यदि राष्ट्रपति पद तक कांग्रेस की मंशा रही है कि महिलाओं को पहुंचाने की, और पहुंचाया भी है, मंशा नहीं है, तो उससे बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। ये कहना मैं तो यहाँ पर फिर इस निकाल करके दे दूंगा, कांग्रेस में कितने कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं सेंटर के अंदर, कोई एक थोड़ी ना रहे हैं, बहुत सारे रहे हैं, अंबिका सोनी भी और शायद ये भूल रहे हैं, सीडब्ल्यूसी के कितने लंबे समय तक मेंबर भी रहे हैं। ऐसा ये कहना है, मतलब ये मेरे हिसाब से अनर्गल के आरोप है। जब जिस समय पर जब भी जो भी मोमेंटम शुरू हुई कांग्रेस के जो है 120 साल के इतिहास में, इससे पहले महिला अध्यक्षा भी रही है कांग्रेस की, आजादी से पहले भी रही है, तो ये कहना मतलब कि भी कांग्रेस महिलाओं को सपोर्ट नहीं करती है, तो कांग्रेस ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, तो पूरी तरह से गलत है। अच्छी कैबिनेट में भी राजस्थान में भी महिलाएं कई विधायिका चुन करके आई हैं, हरियाणा के अंदर भी महिला विधायक कांग्रेस के हैं, तो ये बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी ने कितनी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन ये मुद्दा इसको समझते हैं आप डॉक्टर अल्पना वाजपेयी जयराम रमेश कह रहे हैं कि सरकार ने पहले ही महिला आरक्षण का बिल पास कर दिया था और वो बिल निलंबित नहीं हुआ है, ऐसे में दूसरा बिल लाने की आवश्यकता ही नहीं है, उसी बिल को कानून बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही, अगर कोई भी मैं आऊंगी सर आपके पास, निगम जी इसके बाद आपके पास आऊंगी, और उसमें अगर उसमें किसी प्रकार की त्रुटियां नहीं है तो उसको बिल्कुल लागू कर देना चाहिए, उसको नया बिल लाने का मतलब ही क्या करता है भाई। अगर पहले से कोई प्रोविजन हमारे पास में है और उसमें कोई खामी, अगर कोई खामी तो उससे विचार विमर्श कर लिया जाए, और विचार विमर्श करके जो भी कमियां उनको दूर करके उसको लागू कर देना चाहिए, क्योंकि नया बिल आप लाएंगे फिर उसको लटकाया जाएगा, फिर वो आगे प्रक्रिया चलेगी, फिर वो कब लागू होगा, किस तरह से उसको लागू करेंगे, ये तो देखिए सरकार की टालने वाली नीति होती है। और देखिए सरकार केंद्र में प्रदेश में सभी जगह भाजपा की है, और भाजपा बड़ी बड़ी बातें भी करती है कि महिलाओं के लिए हम ये करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे, हम तो कहते कुछ भी मत करो, आप 33% महिला आरक्षण लागू कर दो, आप बहुत सशक्त हो, आपके पास आप कई प्रदेशों में भी आपकी गवर्नमेंट है, और ये कई सालों से बिल लंबित पड़ा हुआ है, और कई बार हम लोगों ने सामाजिक संगठनों भी आंदोलन किया और हर बार बिल इसी चक्कर में रह जाता, तब की उनकी इच्छा भी नहीं है
पार्टियों की जो सत्ताधारी पार्टियां होती हैं उनकी इच्छा ही नहीं होती है कि वो इसको लागू करें, इसलिए किसी न किसी रूप में डालमटोल किया जाता रहता है। जहां इच्छा थी वो लागू कर गया, 18 साल बिल लागू करना था तो उन्होंने लागू कर लिया पार्टियों ने, लेकिन महिलाओं के मामले में उनको जो है बिल्कुल बुलबुलाहट होती है। सबसे लंबा एक कहावत भी कही जाती है ना अल्पना जी की, बीरबल की खिचड़ी पता नहीं कब पकेगी, लेकिन हमें लगता है की बीरबल की खिचड़ी तो आजकल पककर तैयार हो जाती है जल्दी, लेकिन ये आरक्षण बिल का जो मुद्दा है ये इतने समय से चल रहा है, लेकिन ये कब लागू होगा कब नहीं होगा, महिलाओं को उनका हक आखिरकार कब मिल पाएगा, ये देखना अब बड़ी बात यहाँ पर होगी। क्योंकि तमाम पार्टियां जब सत्ता में आती हैं तो वादे तो करती हैं, लेकिन सत्ता में आते ही सब कुछ भूल जाती हैं। निगम जी, आप इस बात को भी समझिए कि संघ इस समय सोशल एक्सपेरिमेंट का पैरामीटर है। आप जो संदेश देंगे वो बड़े स्तर पर राजनीति और राज व्यवस्था दोनों को प्रभावित करेगा। रेशु जी, सबसे पहले मैं कुछ जो निष्कर्ष निकल रहा है जी, उससे ये लगता है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन देना एक खैरात, इसकी मानसिकता से सबसे पहले बाहर निकलना, और क्योंकि इस तरह का फेवर समझा जा रहा है कि उनको कुछ फेवर दिया जा रहा है, तो उनका अधिकार है 10% जाना, फिर वो 33% की मांग कर रही है। लेकिन कुछ महिलाएं ही नेता जैसे कविता, जिन्होंने ऐसा कारण चुना है, ऐसा वक्त चुना है, उनकी नियत पे खोट नजर आता है, तो इस अभियान को ही नुकसान पहुंचता है। तो महिलाओं के द्वारा महिलाओं को नुकसान करना ये भी एक बहुत बड़ी बात है, तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और बार बार मैं कह रहा हूँ, संघ का जो संदेश है वहां महिलाओं को बराबरी के अधिकार हक मिले हुए हैं, तो ये मत कहिए कि संघ में महिलाएं नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, बस शाखाओं में अलग अलग होती हैं, क्योंकि वहां के कार्यक्रम और कुछ ऐसी चीजें में दोनों साथ में मिलके आप वो नहीं कर पाते, और जैसा इसीलिए मैं इन्वाइट करता हूँ आके देखिए। तो राष्ट्रीय सेविका समिति राष्ट्र के योगदान के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, धार्मिक सद्भाव के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन ये सवाल मैं आपसे बार बार कई बार कर चुकी हूँ कि अगर हम एक उदाहरण दें, रेल की दो पटरियां होती हैं, लेकिन अगर हम इसी तरीके से पुरुष और महिलाओं की अगर यहाँ पर बात करें तो वो दोनों को आपने अलग अलग रखा हुआ है। संघ की कई शाखाएं हैं, संघ की कई शाखाएं हैं जिसमें महिलाएं हैं सर, लेकिन मेन थीम में अगर उनको लेकर आएंगे तो क्या दिक्कत होती है उससे? देखिए रेशु जी, पहले तो आप समझती हैं कि राष्ट्रीय सेविका समिति की शाखाएं मेन थीम है ही नहीं, तो बहुत गलत आपका विचार नहीं है। मैं ये नहीं कह रही ना, उसमें तमाम महिलाएं हैं सर, उसमें तमाम महिलाएं हैं, मैंने ये कहा ही नहीं आपसे, उसमें तो तमाम महिलाएं हैं। तो शाखाएं अलग है, विचार मंथन सब एक साथ होते हैं हम लोगों के यहाँ, जब वैचारिक चीजें होती, बातें होती है, वो दोनों बराबरी से हिस्सा करते हैं उसमें, और उसमें अपने वो इनपुट देते हैं। आज की वो प्रतिनिधि सभा में भी वो मौजूद है, वहां पर हिस्सा ले रहे हैं, उन्होंने भी सारे अपने इनपुट दिए हैं। तो इसको देखिए, इस तरह की जो बातें समाज में कुछ राजनीतिक दल फैलाने की कोशिश करते हैं, पूरा बराबरी का अधिकार है, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए सदैव अग्रणी रहती है वहां पे महिलाएं, और विचार विमर्श साथ में करती है। शाखाएं हमारी उद्देश्य कुछ अलग है, वहां पे जो क्रियाएं या कार्य होते हैं वो अलग है, इसलिए तो उनको असुविधा ना हो कुछ कारण से या कुछ ऐसी चीजें ना हो जाए, इससे हम लोग करते हैं। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, बाल शाखा, लेकिन कैसी असुविधा हो सकती है सर, वो भी आपसे जानना चाहेंगे ना, आप बताइए। आज तो हर जगह महिलाएं पुरुष साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप उनके साथ मिलकर कबड्डी नहीं खेल सकते, कबड्डी का गेम हम लोग क्यों नहीं खेल सकते? कितनी महिलाएं अखाड़े में खेलती हैं, कितनी महिलाएं पहलवान हैं, पुरुषों के साथ खेलती हैं, उसमें कौन सी दिक्कत है सर? साथ आदमी, देखिए रेसलिंग आदमी और औरत के बीच में नहीं होता है गेम, कोई भी कंपटीशन देख लीजिए, औरत के बीच में हो रहा है, आदमी आदमी के बीच में हो रहा है, तो बहुत सारे गेम्स हैं वो उसी हिसाब से चलेंगे सर। अब शुरू हो गए हैं, शायद आपको ज्ञात नहीं है कि अब शुरू हो गए हैं, महिलाओं और पुरुषों में भी कबड्डी होती है। बहरहाल डॉक्टर अल्पना वाजपेयी जी, आप सहमत हैं? सहमत हैं निगम जी की बातों से?
मैं आपको उदाहरण दूं, आप कोई मुझे इंटरनेशनल और नेशनल कंपटीशन दिखा दीजिए जहां पर महिलाएं और पुरुष मिलकर कुश्ती कर रहे हैं या कबड्डी के। ठीक है, मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगी सर, चिंता मत करिए। डिबेट के बाद वो अपना चल रहा होगा, कोई मुझे टाइस कंपटीशन दिखा दी। और तमाम खेल में मिश्रित युगल होते हैं जिससे महिलाएं पुरुष बराबर से खेलते हैं, और जीता भी सानिया मिर्जा ने और कई लोगों ने हमारे यहाँ मिश्रित युगल जीते भी हैं, तो उनको पावर दिखाने का मौका मिलता है। तो जो वो कॉन्टैक्ट गेम्स नहीं है, लिंक के आधार पे कॉन्टैक्ट गेम्स नहीं है, फिजिकल कॉन्टैक्ट गेम्स नहीं है, बैडमिंटन और टेबल टेनिस के अनुसार उनको खेलना चाहिए। और ये गेम्स नहीं है हमारे यहाँ, कॉन्टैक्ट गेम्स का भी भ्रम हो सकता है। जब आप एक बार ट्राई करो, आगे ला के देखो सबको साथ में खेलने से, अगर कोई बहुत ज्यादा नुकसान है तो सोचा जाएगा पहले उन्हें आगे लाओ, साथ में खेलने का मौका दो, साथ में सारे काम करने का मौका दो, अगर दिक्कत नहीं होगी तो आगे बढ़ा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो महिला हम साथ में पढ़ सकते हैं, तो खेलने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कांग्रेस से प्रतिक्रिया ले लेते हैं रविंद्र सिंह जी। देखिए, मैं आरएसएस की बातों को सुन रहा था, उसमें पूरी तरह से मैं सहमत इसलिए हो जाता हूँ कि आरएसएस जो है, आरएसएस के अंदर केवल खेल या क्रीड़ा नहीं होती है, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के मंच भी होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि कॉमन प्लेटफॉर्म में होता है, कॉमन प्लेटफॉर्म में एक साथ में लेकर के आई जा सकती है। मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि भी आरएसएस की कोई प्रमुख जो है सरसंचालक संघ संचालक कोई महिला रही हो, मैं बिल्कुल भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। यदि रही होंगे तो सेविका समिति का तो नेचुरल सी बात है, पैरेलल एक महिलाओं की विंग है, लेकिन मुख्य आरएसएस के अंदर कभी भी नहीं रही है। तो ये कहना कि भी हम महिलाओं को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं वो गलत है, कि कोई प्रमोट करने का काम नहीं कर रही, केवल एक पैरेलल संगठन चला रही है मुख्य आरएसएस के, जो कि पैरेलल प्रकार से काम करता है, लेकिन उसका मुख्य बिल्कुल ठीक है कि भाई उनकी आइडियोलॉजी बेशक एक रहती हो, बट उसको हम ये नहीं कह सकते कि भी हम उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमने बिल्कुल संकल्प राय पूरे अधिवेशन के दौरान किया है और लिया भी है कि टिकट के अंदर, अपनी टिकट के अंदर पूरे भारत के अंदर जो है राज्य चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, हम महिलाओं को रिजर्वेशन देने का काम करेंगे आने वाले चुनाव के बाद में कंटिन्यूसली। तो हमने तो आपने संविधान के अंदर संशोधन कर दिया है, और भविष्य के अंदर कांग्रेस की तरफ से आपको इस मामले में मुझे नहीं लगता कि कोई शिकायत या बात आएगी, हमने पहले भी पढ़ाया है अमेरिका। अच्छा ठीक है, शबनम पांडे जी, बीजेपी की ट्रेनिंग भी तो आरएसएस से ही होती है ना, तो अब आप लोग तो खैर सत्ता में हैं, तो 33% आरक्षण लागू करने में क्या दिक्कत हो रही है आपको? देखिए रेशु जी, अभी मैं सबसे पहले कांग्रेस के साथी का जवाब देना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं को इतने सालों में काफी बढ़ाया, लेकिन जो विशेष पोर्टफोलियोज होते हैं किसी भी मंत्रिमंडल में, तो देश के मंत्रिमंडल में देखा जाए तो ना कभी रक्षा मंत्री किसी महिला को बनाया गया, ना वित्त मंत्री बनाया गया, ना विदेश मंत्री बनाया गया। मैं बार बार इस बात पे भी प्रेशर दूंगी कि गांधी परिवार को छोड़कर अन्य किसी महिलाओं को शिक्षा मंत्री, ऐसे ऐसे पोर्टफोलियो कभी मिले ही नहीं। और इस बात को बताया इन्होंने कि महिलाएं इन विभागों को नहीं संभाल सकती, पर समय के लिए भारतीय जनता पार्टी आई और उसने अपने अपने मोदी जी के कार्यकाल में इन सभी पोर्टफोलियो पे महिलाओं को रखकर देश को ये जताया कि हम महिलाओं की काबिलियत पे पूरा भरोसा करते हैं और महिलाओं ने ठीक है भरोसा करते हैं। ये तो बातें, ये तो जुमले वाली बातें हो गई ना, जुमलेबाजी वाली बात हो गई। अब आखिर निष्कर्ष जो निकलता है वो बताइए, जैसे कि अभी अभी संगीता शर्मा जी ने भी पूछा कि बाकी सब बातें छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि 33% आरक्षण लागू कराने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आप तो सत्ता में है ना। देखिए निश्चित तौर पे इस पर पहल होनी चाहिए, इससे मैं कहीं भी पीछे नहीं हटती हूँ। महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये बहुत जरूरी है, इसको हर महिला जो राजनीति में है वो इस बात को समझती है, क्योंकि महिला संवेदनशीलता के साथ और पूरे धैर्य के साथ अपने कार्यों को करती है, और जो भी महिलाएं अगर राजनीति में आई हैं जिसको कि मेंस वर्ल्ड करके जाना जाता था, आज महिलाओं ने अपना पैर जमाया है यहाँ पर, और आरक्षण उसके आवाज को और बुलंद करेगी, ऐसा मैं भी मानती हूँ और मेरी पार्टी भी उम्मीद करते हैं कि आगे आरक्षण पर भी पार्टी विचार करेगी। लेकिन हमारी पार्टी जब कांग्रेस पार्टी, इतने टाइम से आप लोग उम्मीद ही तो कर रहे हैं, आप उम्मीद तो कर रहे हैं, अब तो सत्ता में हैं, अब आपको उम्मीद थोड़ी ना करना है, अब तो आपको करके दिखाना है, करके दिखाने का समय है शबनम पांडे जी। नहीं
निश्चित तौर पे हम करके दिखाए, हमने अपने संगठन के अंदर बगैर किसी दबाव के इसका आरक्षण किया है। और इस बात का मैं बार बार दावा करती हूँ कि भारतीय राजनीति में कोई अन्य पार्टी ऐसी नहीं जो इस आरक्षण को कर सके, क्योंकि अगर हम पहले बाहर से मदद मांगते हैं तो सबसे पहला कदम घर के अंदर से मदद की होनी चाहिए। तो अगर हम आरक्षण की मांग करते हैं, सभी राजनीतिक दलों से कहते हो, तो पहले अपने पार्टी के अंदर आरक्षण की मांग करिए, ताकि पार्टी में दावा तो कोई भी कर सकता है ना, दावा करने में क्या जाता है, चीजें धरातल पर आने चाहिए, नींव तो कहीं रखी जानी चाहिए ना, नींव तो कहीं रखी जानी चाहिए, वो नींव तो कहीं नजर आ नहीं रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।